कस्तूरबा गांधी का जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि बहुत सी सर्व शिक्षा में योजनाएं चल रही हैं, जूनियर हाई स्कूल जूनियर चल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, उसमें बच्चों को ले आया जा रहा है स्कूलों में, लेकिन वो बच्चे आते हैं घर से और फिर वो घर चले जाते हैं, फिर वो उसी माहौल में लौट जाते हैं, तो जो प्रोग्रेस बच्चों को दिखनी चाहिए थी वो कम दिखती है। खासकर लड़कियों के लिए थोड़ी भी बड़ी हो जाती हैं तो माँ के काम में घर के काम में वो हाथ बटाने लगती हैं, तो शिक्षा के प्रति वो चीज़ नहीं रहती है जो होनी चाहिए, वो घर के काम की प्राथमिकता जा, क्योंकि माँ बाप दोनों गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, वो दोनों काम करने चाहते हैं, तो घर के जो छोटे बच्चे हैं लड़कियां उनको देखने लगती हैं, घर में खाना बनाने लगती हैं, पानी भरने का काम करने लगती हैं, तो इस वजह से अगर वो 10 से स्कूल 10 से 4 वाले में आती भी हैं तो वहाँ की पढ़ाई के बाद वो घर जाके कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो इस वजह से एक कॉन्सेप्ट ये आया कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो बच्चों को फीस की वजह से नहीं पढ़ाते हैं, उनका मुख्य है कि हम पहले खाने का इंतज़ाम करें तब हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो सरकार की सोच ये रही कि इन बच्चों गरीबी रेखा के नीचे की लड़कियों को 6 से 14 साल की जिन्होंने बीच में स्कूल छोड़ दिया है, एक दो में स्कूल गई, तीन में गई, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको हम उनका एडमिशन ले लें ऐसी जगह जहाँ वो घर से आके हॉस्टल में ही रहें, पूरे 24 घंटे की दिनचर्या उनकी यहीं रहे, उनके लिए रहने खाने पढ़ने सारी व्यवस्था हम करें कि बच्चा उस माहौल में रह के अच्छे से जो उसके स्किल है उसको अच्छे से डेवलप कर सके। तो बच्चे का इंटरेस्ट सिर्फ पढ़ाई की तरफ, उसका ध्यान वहाँ से नहीं हटता है। तो इस वजह से कस्तूरबा का गांधी की जो आवासीय विद्यालय की एक बहुत अच्छी परिकल्पना है जो अब धीरे धीरे आगे चल रही है, यहाँ का एक बैच निकल चुका है, उनमें से कुछ लड़कियों ने आगे प्रवेश लिया हुआ है, 9th-10th में वो पढ़ रही हैं, कुछ बच्चे इनमें से स्कूल गए होंगे, 1-2-3 तक गए, कुछ तो बिल्कुल स्कूल गए ही नहीं क्योंकि उनके पेरेंट्स में या तो शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं रही कि हमें बच्चियों को पढ़ाना भी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये रही कि उनके पास पैसे का मतलब अभाव रहा, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं रही, इस वजह से वो नहीं पढ़ाना चाहते थे, 2-3 के बाद उनको वापस कर लिया या बिल्कुल भेजा ही नहीं। तो ये बच्चे वहीं गांव में घूमते रहे, खेलते रहे, मतलब सिस्टमेटिक एक लाइफ का जो वो होता है वो इनके अंदर नहीं आया था, लेकिन जब थोड़ा सा प्रचार प्रसार किया गया कि ऐसा विद्यालय खुल रहा है इसमें ऐसे बच्चों को भेजना है, तो जो स्कूलों पे हमारे एक रजिस्टर जो बनता है जिसमें उस गांव के ड्रॉप आउट बच्चे या नॉन गोइंग जो हैं वो गए ही नहीं हैं उस आयु वर्ग के, तो उन बच्चों की जो लिस्ट बनती है उस हिसाब से बच्चों को हम फिर कैंप लगा के एडमिशन लेते हैं, जो हमारे नाम्स हैं उस हिसाब से लेते हैं। वो बच्चे जब आते हैं शुरू में तो ये माहौल उनके लिए बहुत अलग सा माहौल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम स्वतंत्र रूप से रहने वाले बच्चे जब इस माहौल में आते हैं तो शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी, जैसे वो समय से कोई काम समय से करने की आदत उनकी नहीं होती है, समय से समय के अंदर बंधना नहीं चाहते हैं वो, तो शुरू में वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, कुछ बच्चे तो जैसे बहुत साफ सफाई की आदत उनकी नहीं होती है, ढंग से कपड़े लत्ते रखने की आदत नहीं होती है, तो ये सब प्रॉब्लम को धीरे 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 फिर बच्चों के साथ रहते रहते हम लोग उसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, लेकिन 6 महीने बाद फिर वो इस माहौल के अभ्यस्त होने लगते हैं। लेकिन जब इस माहौल में आए, टीचर्स के साथ मिलते हैं, वो डॉक्टर्स के साथ मिलते हैं, उनको रोज़ एक नई चीज़ पता लगती है, लोग यहाँ आते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और फिर जैसे यहाँ रहते हैं तो टाइम से खाना है, पहनना है, ड्रेस पहनना है, फिर प्रेयर करनी है, योगा करना है, तो वो इन चीज़ों से उन्हें लगता है कि नहीं, पढ़ाई भी ज़रूरी चीज़ है, और शायद वो टीचर्स को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, और लोगों को देखते हैं, तो उनके ये तो उनकी फीलिंग आने लगी है कि हम अगर पढ़ेंगे तभी हम भी ये बन सकते हैं, और बहुत सी जागरूकता उनको, जैसे हम लोग छोटे छोटे नाटक वाटक कराते रहते हैं, पेपर उनको देते हैं पढ़ने के लिए, कुछ प्रतियोगिताएं रखती हैं, तो शिक्षा
प्राप्त करने से क्या लाभ हैं और नहीं प्राप्त करने से क्या नुकसान हैं, इसकी जानकारी इनके अंदर अच्छे से आ जाती है। और बालिका शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है भी। और इन लड़कियों में जो एक चीज़ आया है कि ये अपने घर में भी जाती हैं छुट्टियों में, तो इनका प्रयास कि अपने छोटे भाई बहनों को भी, अब ये जहाँ ये खुद बच्चे नहीं पढ़ते थे, अब ये अपने छोटे भाई बहनों को भी प्रेरित करते हैं कि पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है। जिनके मदर फादर नहीं पढ़े हैं वो ये चाहते हैं कि वो हमारे पेरेंट्स मीटिंग में जब आएँ तो वो दस्तखत अपना बनाए, अंगूठा ना लगाए। ये जागरूकता बच्चियों में आ रही है। लड़कियां खासतौर क्योंकि पूरी फैमिली लेके चलती हैं तो उनकी सोच ज़्यादा परिवार से जुड़ी होती है, तो उनके शिक्षित होने से वो पूरे परिवार को एक रास्ता दिखाने का काम करेंगी। आज के ज़माने में शिक्षा के बिना सोचा नहीं जा सकता है, क्योंकि दुनिया में इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतनी हो रही हैं। अगर आदमी कम से कम पढ़ा लिखा रहेगा तो कुछ भी कहीं उसको अगर मिल गया देखने, तो वो उतना तो देख समझ सकता है कि दुनिया में बहुत कुछ। बिना पढ़े आज के ज़माने में, मतलब अपने विकास के लिए, साथ अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, अपने परिवार के लिए, उसके साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी पढ़ना सबसे ज़रूरी है। अक्षर ज्ञान से नहीं मतलब है, मतलब है उनकी सोच डेवलप होनी चाहिए, उनकी सोच और ऊंचे स्तर पे जानी चाहिए। इन्हीं बच्चों में से अभी हम तो लाए, बिल्कुल रॉ मटेरियल यहाँ लाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं इन बच्चों में से कितना कैलिवर, कितने बच्चों में है, वो कितना आगे जाएंगे। तो एक शिक्षा के भी यही एक माध्यम है जिससे हम इन प्रतिभाओं को निकाल सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आगे राष्ट्र का निर्माण यही बच्चे करेंगे, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूरे समाज के लिए पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है, और एक पढ़ाई ना होने से भी समाज में बहुत सी विकृतियां अपने आप पनप जाती हैं, बहुत सी ख़राब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो मान लीजिए आज इंडिया के लिए वो चीज़ें ख़राब कर रही हैं, कल वही एशिया को ख़राब करेंगी, परसों यूरोप को ख़राब करेंगी। जब बच्चा नहीं पढ़ा लिखे गलत रास्ते पर जाएगा, तो ये ज़रूरी थोड़ी कि आज हमें ख़राब कर रहा है, कल आपको ख़राब करेगा। तो इसलिए अगर इस चीज़ को हम वहीं पे रोक के बच्चों में सुधार ला दें, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सोच को बदल दें, तो वो बच्चा जो क्या कहते हैं कि एक सही दिशा में जाएगा, एक सही सोच के साथ आगे बढ़ेगा, तो गलत कामों से वैसे ही दूर होगा। टेररिज्म की समस्या सबसे बड़ी इस वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, और अगर मेरे ख्याल से ये बच्चे अगर शुरू से गलत ढंग से पैसा कमाने की वजह से पढ़ लिख के सही ढंग से अगर उस स्थिति में जाने लगे, तो ये समस्या अपने आप कम हो जाएगी। तो इंडिया के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उससे लाभ तो वर्ल्ड को होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को लाभ होगा, तो पैसा लगाना चाहिए। जिस उम्र में हमारा बच्चा खेल कूद रहा है, हर सुविधाएं वो कर रहा है, उस उम्र में ये बच्चे घड़े का पानी ढोते हैं, खेतों से अनाज ढोते हैं, और मतलब एक एक चीज़ के लिए ये तरसते हैं। वो बच्चे जब यहाँ आते हैं तो मतलब जिन बच्चों ने ढंग से खाना, खाने की थाली जो होती है वो पूरी लगी हुई नहीं देखी होती है, आपको बता दें कभी सब्जी रोटी मिल गई, कभी चावल दाल, जो पैदा हुआ या जो मिल गया पूरा एक साथ उन्होंने नहीं देखा है, और ना टाइमली उनको कि हाँ इस टाइम आपको ये मिलना है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये आती कि जब ये बच्चे खाते हैं और ये जब बच्चे पहन के नहा धो के तैयार होते हैं, तो खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हमने उन बच्चों के लिए, हम उन बच्चों को काम कर रहे हैं जिन बच्चों को ये नहीं मिल रहा था, और इन बच्चों के चेहरे की जो खुशी होती है वो हमें खुशी देती है। फिर उसके बाद ये जब पढ़ाई लिखाई करके हम लोग जब सवाल पूछते हैं, आंसर देते हैं, या कोई आता है उनसे बातचीत करते हैं, तो ये कभी नहीं महसूस होता है, ये देख के अच्छा लगता है कि बच्चे उस माहौल से कितना आगे निकल गए हैं। और फिर ये लड़कियां जब आगे जाके जितना अच्छा काम करेंगी, वो लगता है कि कम से कम, क्योंकि शुरुआत में हमारे साथ रहती हैं तो एक हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक हमारा जुड़ाव इनके साथ होता है जो इनके भविष्य के लिए आगे अच्छा रहे। हमने देखा कस्तूरबा में जो मदर है वो तो चाहती है कि बेटी जाए पढ़े, घर छोड़ो, लेकिन जैसे भाई हैं, पिता हैं, तो अरे क्या जाएगी, शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मदर तो बहुत कम ऐसी मिली जो ये चाहती हैं कि ना जाए वो, मतलब फादर कम आते हैं मिलने बच्चों से पेरेंट्स मीटिंग में, मदर ज़्यादा आती हैं। तो माँ की ये सोच रहती है कि नहीं हम जाएँ बच्चों, मतलब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, काम ना करें। देखिए हमारे यहाँ मेन ये है, लड़की बड़ी हुई, थोड़ी पढ़ लिख गई, थोड़ा काम धाम सीख गई, भैया उसे शादी कर दो, उसको अपने घर भेज दो,
पहला तो यही रहता है। लेकिन जैसे जब बच्चे यहाँ आ गए, उसमें अब अधिकतर पेरेंट्स की ये सोच रहती है कि इन स्कूलों को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 8th तक पढ़ के बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो लोग आके हम लोग से कहते हैं मैडम आप इसको आगे बढ़वा दें कि बच्चे थोड़ा और पढ़ लें और लड़कियाँ अपने पैरों पर खड़ी हो जाएँ। तो वो मतलब ये चाहते हैं, और शादी अब लड़कियां घर में बोलने लगी हैं कि इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे, हमें अभी और पढ़ना है, हमें अभी और मतलब आगे जाना है। तो ये आवाज़ उनकी अब निकलने लगी है, जो बच्चे लड़कियां बोलती ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ आके वो 100 लड़कियों के बीच में रहती हैं, 100 लड़कियों के माहौल में रहती हैं अलग अलग। तो जो कुछ मतलब डरी सहमी भी रहती थी, पेरेंट्स के आगे कुछ बोल नहीं सकती थी, उनमें भी इतनी हिम्मत थोड़ी आती है कि ये काम गलत है, इसको नहीं, वो मदर फादर को भी जैसे कहती हैं कि नहीं आप ऐसा मत करिए, या छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, नहीं इनको स्कूल भेजिए, बहन की शादी अभी जल्दी मत करिए। इसीलिए उनके मन में ये है कि हम भी कुछ करेंगे तो हम अपने पैर पे हो जाएंगे, तो हम ऐसे करेंगे, जो मदर फादर नहीं कर पाए, अब बच्चों में वो सपने जग रहे हैं कि हम उनको करना चाहते हैं। तो इसका बहुत असर पड़ा है।